गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज ब्रेकफास्ट आ चुका है, अभी जस्ट उठा हूँ। सुबह पता नहीं क्या हो गया, आजकल आँख ही नहीं खुलती है, तो अभी करते ब्रेकफास्ट। तो गाइस ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, अब चलते हैं नहाने के लिए। नहाकर कपड़े चेंज कर चुका हूँ, जो धोती कर चुका हूँ, और अब करते हैं ट्यूशन के टाइम का वेट। 8 बज चुके हैं, ट्यूशन का टाइम है 10 बजे का। डे 9 यहाँ से निकलना है, मेरे को स्टेशनरी से बुक वगैरह भी लेनी है, तो बस 1.5 घंटा ही है। ट्यूशन के लिए रेडी हो चुका हूँ, क्या मम्मी जाएगी मेरे को छोड़ने, पहले बुक लेंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट मम्मी ने बनाया नहीं था, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने के लिए रस्ते में परांठे वगैरह ले लूँ। चलते हैं जल्दी से, स्कूटी बाहर निकाल चुका हूँ, मम्मी आ चुकी है, अब चलते हैं ट्यूशन। तो गाइस बुक तो मिली नहीं, तो मैं आ जाऊँ अभी यहाँ खाने के लिए। ये फोन से आपने पहले भी देख लूँ, खाते हैं जल्दी से फिर चलेंगे ट्यूशन। गाइस परांठे खा चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ ट्यूशन के लिए। गाइस ट्यूशन पहुँच चुका हूँ, मम्मी को करते हैं बाय, अब चलते हैं अंदर, करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू। गाइस फाइनली छुट्टी हो चुकी है, अब चलते हैं घर पर। और मम्मी का यूज टिकट मैंने फ़ोन करके पूछा था, पापा के लिए घर पर, तो आज फिर से मेरे को ऑटो में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं जल्दी से। गाइस रोड पर पहुंच चुके हैं, अब करते हैं ऑटो और चलते हैं घर पर। ऑटो से उतर चुके हैं, अब जा रहा हूँ घर पर, जल्दी से चलते हैं। घर पहुंच चुके हैं, पापा घर पर ही हैं, मम्मी आई नहीं अब तक, चलते हैं अंदर। अंधेरा, अब रखते हैं बैग। गाइस मम्मी आई नहीं है और मैं कर रहा हूँ अभी रेस्ट, पापा अंदर फ़ोन देख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर कंप्यूटर में मूवी देख लेता हूँ, टाइम पास भी हो जाएगा, शाम हो जाएगी, फिर चल पड़ेंगे थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए। मम्मी और आंटी आ चुकी है बाहर गेट से। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं रोड पर गन्ने का जूस लेने के लिए, आंटी पियेंगी चाय। गन्ने की रेडी पर पहुँच चुके हैं, अंकल निकाल रहे जूस, फिर लेकर चलेंगे घर पर। तो गाइस रोड पर तो बहुत तेज आंधी आई हुई है, कैमरे में इतनी नहीं दिखाई दे रही होगी, पर देखो पेड़ों से पता चल जाएगा आपको। मतलब ये मिट्टी उड़ रही है, कैमरे में इतनी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आंधी आई हुई है रोड पर, सारी मिट्टी आँखों में जा रही है। इस गन्ने का जूस मिल चुका है, चलते घर। जूस लेके आ चुका हूँ मम्मी के लिए, अब डालते हैं। मम्मी जा रही है आंटी जी को छोड़ने। गाइस शाम हो चुकी है, शॉप की चाबी ले चुका हूँ, चलते हैं थोड़ी देर बाहर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। तो गाइस अभी आया मम्मी का कॉल, और मम्मी कहती कि जल्दी से जल्दी दही दे के देने आ घर पर, तो शॉप पर जा रहा हूँ। शॉप पर पहुँच चुके हैं, शॉप पर अंकल जी, नमस्ते अंकल जी, दही दे दो 1/2 किलो। गाइस दही ले चुका हूँ और अब जा रहा हूँ घर पर। गाइस मम्मी को दही दे चुका हूँ और अब करते हैं गेट बंद। गाइस अब खोलते हैं अपनी शॉप, शॉप खोल चुका हूँ, फ्रिज में रखी है दही, इस साइड भी दही है। जब भी आया मम्मी का कॉल, तो फ्रिज वगैरह बंद करके चलते हैं घर पर, पंखा भी बंद करते हैं। गाइस शॉप बंद करके आ चुका हूँ और बारिश आ रही है ज़ोर से, चलते हैं जल्दी से। पहुँच चुका हूँ, आंगन पूरा गीला हो चुका है, अंदर आंटी जी आई हुई हैं अभी वापस से। गाइस अंधेरा हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पर दूध लेने के लिए। गाइस शॉप पर पहुँच चुका हूँ, शॉप पर आंटी जी, यहाँ पर अंकल जी, नमस्ते अंकल जी, दूध दे दो 2 किलो। गाइस दूध ले चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ घर पर। तो गाइस घर पहुँच चुका हूँ, अब रखते दूध अंदर, यहाँ पर साफ सफाई चल रही होगी शायद से, दूध रख दिया है, मम्मी अंदर फोन देख रही है। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के पास, उसका कॉल आया था अभी, स्कूटी लेकर चलते हैं उसके घर पर एक बार। सो गाइस दोस्त आ चुका है, थोड़ी देर दोस्त से बातें कर लिया, अब जाते हैं घर पर। सो गाइस घर पहुँच चुका हूँ, स्कूटी खड़ी कर दिया, अब चलते हैं अंदर। सो गाइस मम्मी गई थी रोड पर और आइसक्रीम लेकर आई थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो थोड़ी सी मेरे लिए बची हुई है, तो अब खाते हैं। सो गाइस आइसक्रीम खा चुका हूँ और कल जाना है हमें एक शादी में, मेरी बुआ जी की शादी है, गांव में रहती है, तो कल लगभग सारा दिन वहीं बीत जाएगा हमारा। सुबह 11 बजे वहां पर पहुंचना है, कहाँ बताऊँ, हिसार का जो टोल है उसके आसपास कोई होटल बुक कर रखा है, तो उसमें जाना है और
मम्मी कर रही है अभी सभी तैयारियां अंदर वाले रूम में। कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मेरी बुआ जी की शादी है और मतलब सभी आएंगे गांव से भी। सो गाइस अभी पापा भी नहीं आए हैं और अब मैं कर रहा हूँ उनका वेट। खाना अभी मम्मी ने बनाया नहीं है, बनाएंगी, 8:30 बज चुके हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। आई होप आपको अच्छे व्लॉग में मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।